की क्या पहचान, आप लोग बोलेंगे त्याग, तपस्या और बलिदान, क्योंकि गैर राजनीतिक होने के कारण से बलिदान बहुत दिया है। बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान? सम्मानित मंच और हमारे पत्रकार बंधु, ये बुद्धिजीवियों का कह रहे थे कि श्रमजीवी भी है मगर बुद्धिजीवी ज्यादा है, क्योंकि क्या है बुद्धिजीवी को इकट्ठा करना बड़ा कठिन काम होता है और बहुत ही कठिन होता है, और उसमें भी आपने इतना बड़ा काम किया है, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं ना तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो ये जो सरकार है हमारी, तो जब सुनेगी, जब जरा अपनी ताकत बढ़ेगी, अपनी ताकत को बढ़ाना है तो महाधरना, ये महा का महाधरना और आगे होगी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो। और आप कैसे हैं तो महाभारत के अंदर जो अर्जुन है वो अर्जुन की भूमिका है, दूसरों के लिए तो आप लड़ते हैं क्योंकि आपका स्वभाव है लड़ना। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो अर्जुन ने हथियार डाल लिया, बोला जी मैं तो संन्यास ग्रहण कर लूंगा, अपने चाचा ताऊ को मार के क्या फायदा। तो भगवान ने कहा बेटा तेरा स्वभाव तो है युद्ध करना, तू जंगल में कौन सा शांति से बैठेगा, तू जंगल में जानवरों को मार के खाएगा, क्योंकि तो स्वभाव तो बदलता नहीं। तो इसीलिए जरा ये निराशा छोड़ और युद्ध कर। मगर वो अर्जुन अपनी बातों पर अड़ा रहा, डटा रहा, भगवान ने उसको 18 अध्याय तक समझा दिए मगर समझ में नहीं आ रहा था उसको। जब विराट रूप दिखाया भगवान ने तो उसको सब समझ में आ गया। तो जब ये पत्रकारों का विराट रूप सरकारें देखेगी तो निश्चित है कि आपकी मांगे 100% पूरी होने वाली है। स्वामी विवेकानंद का एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको, सबको पता भी है, मैं कई बार आप लोगों के जीवन में आया भी होगा उदाहरण, कि कुछ ऐसे गरीब लोग थे जिनको देशभक्ति समझाई जा रही थी, अध्यात्म समझाया जा रहा था। स्वामी जी आए और स्वामी जी ने कहा कि भाई इनको पहले रोटी खिलाओ, सब अध्यात्म सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिना रोटी का अध्यात्म समझ में नहीं आता, देशभक्ति समझ में नहीं आती। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 है, सरकार उसमें अमेंडमेंट करे, और वेतन आयोग है, सामाजिक सुरक्षा है, ये पत्रकारों को दे, ये बहुत जरूरी है। और प्रेस काउंसिल की बात आ रही थी, आप प्रेस काउंसिल की जगह मीडिया काउंसिल बनाइए। और आज की परिस्थिति में जितनी प्रकार की मीडिया सर्वाइव कर रही है, सबको सभी प्रकार की सुविधाएं मिले, नहीं तो अपने बीएमएस के अंदर एक गीत है, गीत के बीच के पैरा से मैं एक बात करता हूँ, कहते हैं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आवश्यकता जीवन की, व्यक्ति और परिवार सुखी हो तभी होती मुक्ति सच्ची। प्रश्न यह है कि व्यक्ति और परिवार सुखी हो तभी होती मुक्ति सच्ची। हमारे यहाँ कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, पंडित जी बैठे हुए हैं बहुत अच्छी तरह चीजों को जानते हैं, तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से हम सारे अपने साध्य को पूरा करते हैं, काम को पूरा करते हैं। तो आप घर के गार्जियन हैं तो घर के सारे अंग पुष्ट हो, व्यक्ति का एक हाथ पतला है एक हाथ मोटा है, एक पैर पतला है एक पैर मोटा है, तो उसे व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ नहीं कहलाएगा। वो पूर्ण स्वस्थ कब कहलाएगा, जब उसके सारे अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो। वैसे ही परिवार के अंदर आपकी बिटिया है, आपका बेटा है, आपकी माँ है, बच्चे हैं, ये सब अगर स्वस्थ है और दिशा ठीक है तो हम पूरे मनोयोग से काम को करते हैं, मनोयोग से लड़ाई में हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि जब पत्रकारों का घर ही नहीं चलेगा, जब पत्रकारों का विकास ही नहीं होगा, तो फिर वो समाज के लिए क्या लड़ेंगे, क्योंकि वो समाज के लिए लड़ तो रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, तो अपने लिए भी लड़ना। और अभी भाई साहब एक बात कह रहे थे कि जब तक भंडारी जी के शरीर में
एक भी रक्त का बूंद है। तो मैं उसको दूसरे तरीके से कहता हूँ, हम सब में जब तक रक्त का एक बूंद है तब तक हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे। और अंतिम बात कह के मैं, समय की भी अपनी बाध्यता है, तो कहते याचना नहीं अवरण होगा, क्योंकि ये तो हमारी शुरुआत है अभी सांकेतिक महाधरना में आगे की बात कह रहा हूँ, जब सरकार नहीं मिली तो याचना नहीं अवरण होगा। कहने का तात्पर्य मैं पूरा नहीं कर रहा उसको, क्योंकि कोई आएगा तो अगला पूरा करेगा उसको, जो भी करे पूरा। तो ये हम याचना करने नहीं आए सरकार से, केवल हम अपना आज एक छोटा रूप दिखाने आए हैं। और कहते संघे शक्ति कलयुग, कलयुग के अंदर संगठन की शक्ति है, संगठन ही योगेश्वर कृष्ण है। और जिस दिन संगठन रूपी योगेश्वर कृष्ण अपना विराट रूप दिखा देंगे, उस दिन निश्चित है कि हमारी सारी मांगे पूर्ण होगी भारत माता की। Yeah.